सो okay. so, मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुके है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेटस फगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर मेम दैट इज माई नेम इज अजिंक एंड लेटे स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेटस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए हेलो सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट right फ्रॉम योर लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेस्ट डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो अन अकेडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीजों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली uh, जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यूपीएससी करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो so आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड आप अनकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें लिए एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो सो okay. so, मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुके है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेटस फगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेम्बर मेम दैट इज माई नेम इज अजिंक एंड लेटे स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेटस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए क्या क्या चीजें लगती हैं और क्या क्या नहीं सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट इज उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है तब तक चैट बॉक्स में अगर डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके जो कंपाउंड्स है वो किस फॉर्म में चाहिए आपको सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई प्रैक्टिकल से सच में कुछ सीख रहे हो नहीं तो बस देख रहे हो और मजे ले रहे हो एटलीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग विद दैट चलिए बताइए तब तक मेरे एक ग्लोस पहन लेता व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर नेसेसरी ओके ओके करेक्ट एटलीस्ट एक जन तो बराबर आंसर दे रहा व्हाट अबाउट अदर्स कौन से फॉर्म में लेते हैं कंपाउंड्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट

ये रहा मेरा डब्बा ये बेरियम क्लोराइड का है आई वॉन्ट टू मेक एक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस हाउ कैन आई मेक इट कैसे बना सकते हैं कुछ आइडिया कुछ लॉजिक एड वॉटर ओके अच्छा कोई भी वाटर चलता है कि कुछ स्पेशल वाटर एनी एनी स्पेशल वाटर और जस्ट कोई भी पानी चलता है नल का भी पानी चलता है ओके प्योर वॉटर प्योर वाटर को एक्चुअल टेक्निकल टर्म क्या है लैब में क्या बोलते हैं उसको व्हाट डू वी कॉल इट डिस्टिल्ड वॉटर राइट डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं एकदम सही है डिस्टिल्ड वाटर So let us our हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं और फिर हमारा रिएक्शन uh, शुरुआत करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की नो फॉर दैट टू चलिए पहले हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट की ये बना लेते हैं सोल्यूशन uh, बना लेते हैं फिर उसका रिएक्शन करवाएंगे तो इन वन केस वी हाउव टू स्टार्ट विथ ऑबियसली वी हाउव टू स्टार्ट विथ डेरियम क्लोराइड एक और एक दूसरा कहाँ है सोडियम सल्फेट ओके तो देखो आज जो हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज करने वाले हैं ना वो थोड़े से बड़े होंगे एज यू कैन सी काफी बड़े हैं एंड द रीजन फॉर इट इज क्योंकि हमारा कैसा है ना सोल्यूशन फॉर्म में नहीं है हमारा जो केमिकल्स है uh, मतलब वी हाउव टू मेक द केमिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर बेरियम क्लोराइड है हमारा विच इज क्वाइट दैट सॉल्ट फॉर्म में हमारे पास तो हमको उसको मिक्सअप करना पड़ेगा पानी डाल के एंड फॉर दैट पर्पज हमने जो आज की जो टेस्ट ट्यूब है वो काफी लंबी ली मतलब हम लोग उसको ठीक से मिक्सअप कर पाए एक बार उसके अंदर डालने के बाद सो फॉर दैट पर्पज इज टेस्ट ट्यूब काफी लंबी ली है तो चलिए हमारे लंबे टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रखते हैं दो टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी सबसे पहला हम लोग लेंगे ऐसा कुछ रूल नहीं है बेरियम क्लोराइड को लेते हैं पहले ठीक चलिए बेरियम क्लोराइड को पहले ओपन करते हैं ओके okay, ओपन करने के लिए मुझे जस्ट प्लायर चाहिए जस्ट वन मिनट फॉर ओपनिंग दिस अप काफी रिजिड है इसका जो माउथ है तो हम लोग लेते हैं स्पैचुला ये रहा दिस इज कॉल्ड स्पैचुला स्पैचुला से हम लोग डालेंगे हमारे किस में अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले क्रिस्टल देख लेते हैं इसके क्रिस्टल है कि पाउडर है पहले वो देख लेते हैं देख लो ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं मतलब इसके जैसे लग रहे हैं वो क्या बोलते हैं अपने भगवान को चढ़ाते हैं ना खड़ी साखर के जैसे खड़ी साखर के जैसे दिख रही है तो खड़ी साखर या फिर खड़ी शक्कर आपके रीजन में जो भी उसको बोलते हैं

ओके, दिस इज सफिशियंट मोर देन सफिशियंट टू मेक अव अब देख लो इतनी क्वांटिटी मोर देन सफिशियंट इसको बंद कर लेते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अवर टेस्ट ट्यूब उसके अंदर सोडियम सल्फेट को लेते हैं। ये सोडियम सल्फेट जो हमारा सेकंड केमिकल है विच इज रिक्वायर्ड हमने बेरियम क्लोराइड को डाल दिया सोडियम सल्फेट लेंगे So, चलो इसको भी डालते हैं तो ये किसके तरह है ये पाउडर है ये क्रिस्टल नहीं है ये पाउडर स्टेट में है पाउडर स्टेट अपने कैरम पे जो बोरिक पाउडर डालते हैं ना उसके जैसा है समथिंग लाइक बोरिक पाउडर टेलकम पाउडर के जैसा टेलकम पाउडर के इतना स्मूथ नहीं है ये बट ऑलमोस्ट uh, उसी के जैसा है समथिंग लाइक अ पाउडर के जैसे चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट की इसको ले लेते हैं हमारे टेस्ट ट्यूब में तो हमारे टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने और इसमें दूसरा भी डालो तुम्हारा और थोड़ा सा और लेते हैं टेस्ट ट्यूब में तो हमारा ये ट्यूब भर चुका है ये किसमें क्या डाला सल्फेट लिया हुआ सोडियम सल्फेट so uh, हालांकि दोनों पाउडर फॉर्म में ही है हमको उसको सोलूशन फॉर्म बनाना पड़ेगा उसका। अब बनाने का तरीका क्या है इट्स वेरी मच सिंपल वॉट यू डू डिस्टिल्ड वाटर डालो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको जस्ट मिक्सअप कर लो सो so ये रहा मेरा डिस्टिल्ड वाटर का बॉटल इसको let's say, इसके अंदर अंदर। है, इसको हम लोग डालेंगे हमारे के कितना डालने का दैट इज ऑल्सो कितना सोल्यूशन बनाना चाहते हैं आपके ऊपर है लेकिन सफिशियंट क्वांटिटी होना चाहिए पानी का तभी जाके मिक्सअप होंगे राइट right? चलिए पहले इसको मिक्सअप कर लेते फास्ट नहीं तो जस्ट विल जस्ट मिक्स इट अप फास्ट ओके okay, तो बड़े ट्यूब का यही फायदा है ऊपर से कितना भी मिक्सअप करो को टेंशन नहीं है पानी बाहर नहीं गिरता ओके okay, ये मिक्सअप हो गया ये इसको थोड़ा टाइम लगता है ये जो तुम्हारा बेरियम क्लोराइड है ना ये काफी क्रिस्टल फॉर्म में होने की वजह से मिक्सअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी सोडियम सल्फेट को जब हम लोग मिक्सअप करेंगे तो इट विल बी वेरी फास्ट क्योंकि ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में उसको मिक्सअप करना इज नॉट अ बिग चलो फाइनली इसमें हर एक क्रिस्टल यस इसमें का हर एक yes, क्रिस्टल मिक्सअप हो चुका है पानी के अंदर आप देख सकते हैं दर इज नॉट सिंगल क्रिस्टल विच इज रिमेनिंग अच्छे से मिक्सअप कर लिया हमने चलिए अब इसको पानी डाल लेते हैं इसके अंदर सेम uh, रूल पानी का कोई क्वांटिटी का ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको कितना डालना है आपके ऊपर है चलो इसको मिक्सअप कर लेते हैं अच्छे से तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा मिल्किश है लिमका के जैसा दिखता है थोड़ा बहुत ठीक है ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा लिमका स्टेट में दिखता है वो अपना जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना लिमका उसके जैसा दिखता है okay, तो आर टू अब ये काम करेंगे करेंगे इन दोनों को एज तो मुझे उसका ठीक से तुमको बताने दो देखो ये मैं ऐसे रख देता हूं सो दैट यू कैन सी द कलर चेंज राइट नहीं तो मैं ऐसे रख देता हूं सो so दैट मैं इधर से डाल सकू ठीक है कलर चेंज देख लें कैसा कलर चेंज होता है नीचे का अभी आप देख सकते हैं टोटल क्रिस्टल क्लियर पानी है वो एंड वी आर जस्ट गोइंग टू मिक्स इट अप वी आर जस्ट गोइंग टू सी की किस तरह का कलर आता है डाल रहा हूं ठीक से देखना कलर चेंज ओके okay. तो आप देख सकते हैं टोटल दूध के जैसा तैयार हो गया मतलब इट्स टोटली काइंड काइंड ऑफ ऑफ टोटलीस सपोलेट से ये एक आपका मिक्सचर तैयार हो गया जिसके अंदर ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है एज यू नो इट इज नट वॉट बेरियम सल्फेट है और उसके अंदर जो पानी है वो कौन है सोडियम क्लोराइड है तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार हो गया एज वी एज वी कैन सी काफी स्ट्रांग uh, है क्योंकि अगर मैं उसको टेस्ट ट्यूब पे अगर घुमाऊं तो आप देख सकते हैं उसका ये भी इट्स क्रिएटिंग अ लेयर बेसिकली मैं थोड़ा सा ऊपर लेके टेस्ट ट्यूब के अराउंड घुमाता हूँ उसको सो दैट यू कैन सी वो कितना गाढ़ा है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उसका केमिकल है ही नहीं बट स्टिल भी वो कितना गाढ़ा है यू कैन सी मतलब काफी उसका डेंस है एंड वो टेस्ट ट्यूब को भी चिपक रहा है अंदर से सो so, काफी गाढ़ा है and this is what? This is ये एंड दिस दिस इज इज बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिडेट है सो वी गॉट एग्जैक्टली वॉट वी नीडेड

अगर छोटे टेस्ट ट्यूब है तो फिर सॉल्यूशन है आपके पास कि आप बीकर में ये कर लो बीकर के अंदर मिक्सअप कर लो पहले पानी केमिकल के साथ और फिर वो बीकर वाले केमिकल्स आप डाल सकते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में दैट यू कैन डू दैट इज अनदर ऑप्शन यू कैन यूज बीकर सोल्यूशन यू हैव सो ये रहा हमारा सपोज से वन ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट्स लेट मी जस्ट आस्क के बाद भी कुछ इश्यू है तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं चैट uh, सेक्शन में या फिर यू कैन जस्ट से जिसका हम लोग है बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है बट स्टिल uh, थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी क्रिएट करता ही है बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शन आर वेरी मच न्यू फॉर यू तो हैंफिकल्टी तो होता है नाउ इसके अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे मतलब लेट्स से इवन बिफोर द लेसन बिगिंस इज नथिंग बट एक नईडिया अबाउट व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि केमिकल चेंज मतलब क्या होता है केमिकल चेंज इज नथिंग बट जहां पर आपका एक नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर केमिकल चेंज इज वॉट वेर ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म न्यू प्रोडक्ट अगर आपका बन रहा है कोई नया चीज बन रहा है नया सब्सटेंस बन रहा है सो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है एंड दिस केमिकल चेंज इज नथिंग बट न्यू प्रोडक्ट मतलब इन शॉर्ट न्यू प्रोडक्ट से केमिकल चेंज बनता है हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं मतलब इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन हो गया ऐसा कब बोल सकते हैं हम लोग जब नया प्रोडक्ट बनता है तो so ये चीज ध्यान में रखें पहले ही सपोज पैराग्राफ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो डेफिनेशन दैट वेन एवर केमिकल चेंज ऑर्कर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज taken place so they have given the definition just in the first paragraph itself so it's not let's say very hard uh, let's say ignore karne ka koi question hi nahi aata as is the first paragraph ab second wala hai that is your magnesium ribbon ab iska to aapko pata hai ki kya karna padta hai aapko isko jalana padta hai as you know the flame created is white and moreover iska jo reaction it is something like this Magnesium जब oxygen के साथ जलता है तो क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये पाउडर कौन से कलर का है व्हाइट कलर का ये पाउडर भी व्हाइट कलर का है और जब मैग्नीशियम जलता है तो उसकी फ्लेम भी कैसी रहती है व्हाइट कलर की होती है व्हाइट फ्लेम जिसको ब्राइट लाइट ब्राइट व्हाइट भी बोलते हैं ब्रिलियंट व्हाइट भी बोलते हैं लेकिन आप सिर्फ व्हाइट फ्लेम भी बोलते हैं तो भी चलेगा सी सामने एडजेक्टिव लगाना इतना नेसेसरी नहीं है ब्रिलियंट व्हाइट या फिर बहुत ही क्लेवर लाइट या फिर वट काइंड ऑफ लाइट इट डजेंट मैटर यू जस्ट राइट डाउन व्हाइट लाइट हो गया उतना ही है अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दैट इज कि उसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं तो क्यों रब करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर है अगर आपका मैग्नीशियम रिबन बाहर रखा गया है लेट से टेबल के ऊपर बहुत दिन तक अरे यूज नहीं किया आपने उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन इन द दटमोस्फियर विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम क्रिएटिंग अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अराउंड इट एंड द बेस्ट वे टू रिमूव इट इज तो so, ये sand paper को ध्यान में रखना बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं बच्चे उनको वर्ड याद ही नहीं आता कौन से पेपर से घिसते वॉट दे राइट इन मैग्शियम से घिसते that is, that is not find out the correct word, so I would urge you to remember this word that is sandpaper, ठीक है क्योंकि last ultimate फिर बच्चे क्या लिख देते हैं uh, rough paper लिख देते हैं तो so, do remember sandpaper से घिसना पड़ता है

और उसके अंदर क्या डाल रहे हो आप पोटेशियम आयोडाइड के है ओके तो क्या बनता है इससे वो लेड आयोडाइड बनता है PbI2 और दूसरा क्या बनता है KNO3 एनओ थ्री नाउ एज यू नो दिस इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो दिस हैज टू तो बी टेकन इन एक्वियस फॉर्म और इन दोनों में से येलो कलर कौन रहता है हमने उसको येल्ली बोल के था हमने रखा हुआ है येल्ली राइट मतलब लेड आयोडाइड ओके तो दैट इज लेड आयोडाइड ये येलो कलर का है इसको येल्ली बोल के ध्यान में रखा हुआ है हमने तो दैट इज येलो कलर दैट दट इजाइट एंड दैट दैट इज जस्ट इन एक्टिव स्टेट और ये सॉलिड फॉर्म में फॉर्मिफिटेड है ना तो सॉलिड फॉर्म में टेक अ फ्यू जिंक टेक्यूलिकल कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर एसिड का रिएक्शन बताना है अपने को जिंक और एसिड के साथ तो ये तो अपन ने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में देखा हुआ है वैसे भी लेकिन फिर भी ये रिएक्शन फिर से रिवाइज कर लेते हैं बाय द वे ये कौन सी रिएक्शन है एक्टिविटी नंबर वन पॉइंट टू वट अबाउट ग्रेन्यूल्स देखो जिंक ग्रेन्यूल अगर है तो अगर अगर आप उसके अंदर एच सी एल डाल रहे हो तो क्या बनता है क्या बनता है ZNSO4 plus H2. ये कौन सी रिएक्शन हो गए सिंगल डिसमेंट रिएक्शन हो गए और इसमें कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है सिंपली पुट इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी यहां पर आपके प्रूफ्स है कि आ, क्या होने के बाद हम लोग बोल सकते कि केमिकल रिएक्शन है देखो हमारे हिसाब से तो नया प्रोडक्ट बनता है तब केमिकल रिएक्शन है राइट right? लेकिन यहाँ पर क्या है दीज आर द प्रूफ्स कि ये होने के बाद हम लोग बोल सकते कि मे बी मे बी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर कोई चीज होती है तो यू डू नॉट कंसिडर कि भाई इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया बोल के जैसे कि मान लो चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन स्टेट स्टेट चेंज हो गया बोल केमिकल रिएक्शन हुआ ऐसा हम लोग कंफर्मली बोल नहीं सकते बट हम लोग क्या बोल रहे हैं मे बी मे बी सो ये मे बी के प्रूफ्स हैं These are maybe proofs. Aur, uh, इसको हम लोग याद कैसे रखें सी जी एस टी के नाम से सी जी एस टी के नाम से ध्यान में रखा हुआ कौन से कौन से कलर देन जी इज नैस इज फॉर यूर स्टेट एंड टेम्परेचर तो कलर गैस स्टेट टेम्परेचर तो कलर गैस स्टेट एंड टेम्परेचर ये चेंजेस अगर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं ठीक uh, है सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट लेट अस सी इसके अंदर अगर कुछ इशू है तो तो ये हमारे मेबी के प्रूफ थे लेट अस गो इन टू केमिकल अब केमिकल इक्वेशंस में देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो जस्ट कचरा है तो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे खाली छोटे छोटे जो चीजें हैं वो बता देंगे एल एच एस पे क्या लिखते हो आप एल एच एस के ऊपर आप क्या लिखते हैं एंड आर एच एस के ऊपर क्या लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए इक्वेशन के तो इट्स अ तो तो वेरी सिंपल वन एल एच एस पे क्या रहता है रिएक्टेंट ठीक है एंड आपका आरएचएस पे क्या रहता है प्रोडक्ट रहता है राइट तो रिएक्टेंट ऑन एल एच एस एंड प्रोडक्ट ऑन आर एच एस एंड अगर आपको मोर देन वन रिएक्टेंट या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट बताना है तो कौन सा साइन यूज करता है प्लस साइन इफ यू वॉन्ट टू शो मोर देन वन रिएक्टेंट और मोर देन वन प्रोडक्ट यू नीड टू यूज प्लस सिंबल प्लस सिंबल आपको यूज करना पड़ता है अब बात करते हैं ये तो हमारा हो गया साइंस के बारे में वर्ड अबाउट वर्ड इक्वेशन ओके तो वर्ड इक्वेशन ये रहता है वर्ड इक्वेशन मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है शब्दों में रिएक्शन लिखनी है शब्दों में अगर रिएक्शन लिखी हुई है तो दैट इज वो वर्ड इक्वेशन फॉर्मूला ओके अगर फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं दीज आर कॉल्ड एस केमिकल इक्वेशन तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन एंड वट वॉज द प्रीवियस वन वर्ड इक्वेशन वर्ड इक्वेशन मतलब सिर्फ वर्ड है केमिकल इक्वेशन मतलब विथ एक्चुअल फॉर्मूला नौ

अब यहाँ पर एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है बच्चे गैस सॉलिड ये ठीक से समझ लेते हैं द प्रॉब्लम अराइजेस विथ एल एंड ए क्यू फर्क समझ में नहीं आता देखो एल मतलब क्या कोई चीज लिक्विड फॉर्म में अगर है तो मतलब जो फ्लो हो रही है लिक्विड फॉर्म में अगर है तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेन है तो पेन अगर वो उसको मैंने मेल्ट कर दिया तो वो किस में हो गया लिक्विड स्टेट में लेकिन अगर मैं मान लो मेरे पास एक ऐसी चीज है कि जो पानी में घुलती है राइट right, सपोलेट से बिस्किट है या फिर सपोलेट से कोई नमक है कोई शुगर है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्वियस एक्वियस मतलब क्या एक्वियस इज वाटर जैसे कि कोई सब्सटेंस समथिंग इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वियस एंड वॉट अबाउट वाटर वाटर को किस में डालेंगे हम लोग लिक्विड में क्योंकि वाटर के अंदर तो वॉटर ही रहता है ना ओके okay, तो वो तो वो तो लिक्विड स्टेट में रहेगा अगर वाटर के अंदर कुछ है तो एक्वियस में डालेंगे नहीं तो नहीं

ओके okay, तो वो आर नथिंग बट जस्ट आपके बैलेंस्ड बैलेंसिंग वाले पार्ट आप उसको बाकी का इग्नोर कर सकते हैं नाउ लेट अस गेट इन टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो केमिकल इक्वेशन में हमने सिर्फ टाइप्स देखे मतलब उसके स्टेट्स ऑफ मैटर दट सेट और उसके अंदर कुछ देख नहीं रहे इसके अंदर नाउ लेट लेटस गो इन टू दिस फॉर्म टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बट बिफोर वी गेट इन टू इट लेट मी आस्क

प्रोडक्ट मिनिमम भी एक ही रहता है मैक्सिमम भी एक ही रहता है ओके okay, तो प्रोडक्ट आपका कैसा रहता है मिनिमम वन मैक्सिमम भी वन सो प्रोडक्ट आपका एक ही बनता है ओनली वन नहीं तो एक काम करते हैं और उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा लेट अस जस्ट राइट डाउन ओनली वन ओके तो रिएक्टेंट कैन बी टू और मोर देन टू एंड प्रोडक्ट एक ही रहेगा तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन By the way, this is endothermic और exothermic. Generally, इसके अंदर कैसा है है? है। ना होते हैं। हैं? आपके से से क्या हो Sorry, bond क्या हो हो जाता जाते Make होते हैं. मतलब say, उनको मिलती को को स्टेबिलिटी मिलने की वजह से और बॉन्ड आपके बनने की वजह से एनर्जी क्या करते हैं रिलीज करते हैं ये लोग तो दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है the reason being because they रिलीज द एनर्जी एनर्जी को रिलीज करते हैं जैसे कि ये वाला जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं क्विक लाइम लिया हुआ है और लाइम के अंदर पानी डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद क्या मिलेगा अपने को ट्वाइस प्लस हीट अब यहां पर बच्चे एक गलती करते हैं एग्जाम के अंदर क्या करते हैं सीएओ uh, लेते हैं क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और उसके अंदर पानी डालते हैं दे क्रिएट सी स्टेकेंट ट्वाइस दैट इज योर स्लैक लाइम और प्रॉब्लम क्या है बच्चे यहां पर ना वो लिखना भूल जाते हैं ये वाला पार्ट हीट नाउ दिस इज एक्सैक्टली वॉट स्टूडेंट फर्गेट यू डू नॉट फर्गेट आपको क्या लिखना है हीट लिखना है हीट इज इज नॉट नॉट काउंटेड बिकॉज दैट अ प्रोडक्ट दैट इज जस्ट प्योर एनर्जी तो एनर्जी को हम लोग काउंट नहीं करते तो so, इसलिए वहां पे हीट लिखना बहुत जरूरी है प्लीज ध्यान में रखें uh, हमारे पास कुछ और रिएक्शन है कॉम्बिनेशन के दैट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो कोल को जब गर्म करते हो तो क्या मिलता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिवस सीओ टू और जब आप पानी बनाते तो कैसे बनाते हैं एच टू हाइड्रोजन को ले लो ऑक्सीजन को ले लो और पानी बना लो वेरी सिंपल रिएक्शन किसके कॉम्बिनेशन के ना उसके नीचे किसके रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना वॉट आर एक्सोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या करते हैं हीट इज रिलीज वेन हीट इज इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर कोई भी चीज को अगर आप जलाते हो बेसिकली इट इज एक्सोथर्मिक पर्टिकुलरली जब फ्यूल को तुम जलाते हो तो जैसे कि सी एच फोर ले लो अगर ये कौन है ये मीथेन है अब मीथेन मतलब नेचुरल गैस अगर हम लोग इसको जलाते हैं जलाने के बाद कोई भी चीज किसके साथ कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ तो मीथेन को जलाया हमने ऑक्सीजन के साथ मिली और क्या मिला इससे मिलता है सीओ टू और एच टू प्राइमरी प्रोडक्ट लेट से जो भी आपका बनता है इसके अंदर वो कौन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू एंड ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मिसिंग है एनर्जी

Use what? ये लास्ट वाला जो पाथ है लास्ट वाले पाथ में क्या कॉमन है एनर्जी तो बनती बनती है ऑब्वियसली प्लस यू टू बनता है ओके प्लस एनर्जी बनती है एनर्जी नहीं सॉरी क्या पानी पानी ओके सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट मैंने एनर्जी पहले लिखा हुआ ओके okay, सो so पानी दैट इज एच टू तो वही एनर्जी अगर बन गई आपकी तो दैट मींस इट इज एक्सोथर्मिक अब लास्ट वाला पार्ट

रेस्पिरेशन के जैसा ही है एंड इफ इट इज रेस्पिरेशन लाइक एनर्जीड ठीक है तो यहाँ पर बच्चों की जो गलती होती है वो क्यों होती है बिकॉज दे को रिलेट द डिक्पोजिशन वर्ड टू द एक्चुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज नॉट ट्रू वहां पर मीनिंग क्या है डाइजेशन की बात कर रहे हैं वो तो बस इंग्लिश वर्ड है तो यूज कर लिया उन्होंने चुप कंफ्यूजन होता है चलिए नौ अभी मैं डिकम्पोजिशन लेता हूँ हम लोग दो रिएक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारे जो भी डाउट है हम लोग शुरू करेंगे नहीं तो काम कर लेते हैं यही तक ही एक एक करके पूछ चलिए फेरस सल्फेट के बारे में जानते हैं तो ये रिएक्शन कैसी है डिकम्पोजिशन फर्स्ट थिंग इसके डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स कितने होते हैं ओनली वन ये कॉम्बिनेशन के पूरा उल्टा है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिनिमम दो मिनिमम टू मैक्सिमम इन्फिनिटी मिनिमम दो तो होते ही होते हैं दो से ज्यादा भी हो सकता है तो दैट इज डिकम्पोज़िशन रिएक्शन अब ये हो गया डिकम्पोज़िशन के बारे में मतलब जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की हाँ एक रिएक्टेंट होता है मिनिमम टू प्रोडक्ट होते हैं या फिर मल्टीपल होते हैं एंड बाय द वे दिस इज एंडोथ और एक्सोथर्मिक उल्टा है कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन इज एक्जोथर्मिक मस्ट भी एंडोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक क्यों रहते हैं द रीजन ये रिएक्शन के अंदर क्या होता है बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं ब्रेक होते हैं वो ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को क्या लगती है एनर्जी लगती है दैट्स वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हैं एंडोथर्मिक है मतलब हीट एब्सॉर्ब करते अपने बॉन्ड को ब्रेक करते और फिर सेपरेट होते हैं तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एग्जाम में देखें आस्क यू व्हाई देखेंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर द रीजन बीइंग बिकॉज द बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग

एफ ई एसओ फोर को हिट करने के बाद एफ ई टू ओ थ्री एसओ टू एसओ थ्री अब इसके अंदर एफ ई एसओ फोर जो है वो कौन सा कलर है ग्रीन कलर और आपका एफ टू ओ थ्री कैसा है ब्राउन कलर ये हमने एक्चुअल केमिकल रिएक्शन देखी हुई है सो यू शुड रिमेंबर दिस कि भाई उसके कलर कौन से है इट हैज टू बी है अब बात करते हैं ये तो हमारे कलर के बारे में हो गया नौ no. उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ड्राइक्साइड होने की वजह से कौन सा स्मेल आएगा सल्फर लाइक स्मेल आएगा स्मेल दो वो गैस है ना सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट ऑफ स्मेल डू पानी जमा होगा वाटर विल बी डिपॉजिटेड नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर रहे हो तो नाउ कैल्शियम कार्बोनेट इज वॉट सी कैल्शियम कार्बोनेट अगर जब आप हीट करते हो सी ए सी ओ थ्री तो क्या मिलता है सीएओ और एच टू ओ उसमें का पानी बाहर निकलता है राइट right? बट यहाँ पर बेसिक रिएक्शन कैसा है ना वेन इट इज कंसिस्टेंट ऑफ वाटर ओनली देन बट एज दिस इज नॉट सपोज लेट से बेस्ड काइंड ऑफ कंपाउंड जैसे हमारा पहले था ये वाला एफ ई एसओ फोर में कैसा था कि देर वॉज वाटर कॉन्टेंट तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा पानी बाहर निकला था एच टू ओ का कॉन्टेंट होता है तो यहाँ पे हमने बताया नहीं है लेकिन एज यू हैव सीन द रिएक्शन तो उसमें पानी निकलता है हालांकि इसमें भी पानी निकलता लेकिन इसमें पानी का कंपोनेंट होता नहीं है सो बिकॉज ऑफ दैट विच गैस रिमूव हो जाती है फिर तो so ये चीज ध्यान में रखना है पानी रहा तो ही पानी निकलता है में, अपने आप बनता नहीं है सो इफ इट इज देयर इन दी लेट सेल्फ ओनली देन क्या हम लोग देख के बता सकते हैं कि सच में उसमें से पानी निकलेगा कि नहीं टेक्निकली यस टेक्निकली यस कैसा है ये जो सॉल्ट होते हैं ना अगर हाथ में लो तो थोड़े से गीले लगते हैं मतलब इवन दो इज नो वाटर वाटर एडेड एडेड कुछ भी नहीं है लेकिन हाथ में लेने के बाद ना थोड़ा सा गीला फीलिंग होता है ओके okay, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नथिंग बट उसको आप गर्म करते हो तो क्या मिलेगा उसमें से पानी निकलेगा अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं गर्म करने के बाद क्या मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वॉट यूर सीओ uh, और ये कहाँ पर यूज होता है ऑब्वियसली सीमेंट इंडस्ट्री So, फेरा सल्फेट वाला कैल्शियम कार्बोनेट वाला और तीसरा कौन सा हमारा लेड नाइट्रेट वाला अब लेड नाइट्रेट ओरिजिनल कलर क्या है पाउडर का वाइट आपने एक कलर देखा हुआ है व्हाइट कलर का पाउडर है ये और जब ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं ये किसके रहते हैं एनो टू के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस रहती है ये जो लाल कलर का निकलता है बाहर तो दैट इज बेसिकली ऑर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स बेसिकली रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नाउ जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करते हो तो क्या क्या निकलता है उसमें से सेम थिंग जैसे कि लेड ऑक्साइड एनओ एंड ओ तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है वैसे भी इसका टेस्टिंग हमने किया है ऑक्सीजन का सो लेड नाइट्रेट वंस यू हीट इट अप क्या मिलेगा पीबीओ फिर बाद में एनओ जो आपके ब्राउन रेड ब्राउन फ्यूम्स है एंड ऑक्सीजन तो ये रिएक्शन खाली थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि दूसरा है ये इलेक्ट्रोलिसन kind of okay, इसके अंदर क्या क्या होता है द फर्स्ट थिंग दैट इज डन

ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है भाई, है भाई एनोड ठीक ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड्स के बारे में नाउ व्हाट अबाउट अमाउंट किसका ज्यादा होता है हाइड्रोजन का तो एग्जाम में आपको अगर पूछा कि कैसे हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है तो आपको क्या करना है पहले रिएक्शन लिख देनी है पानी की तैयारी करने की फिर इसको बैलेंस करना है आपको सो फर्स्ट ऑब्वियसली यू हैव टू बेसिकली अच्छा ये उल्टा लिख दिया सो so सॉरी मैंने पानी बना लिया मुझे पानी से एच टू एंड हाइड्रोजन बनाना है जोशम जोश ओके सो एच टू ओ गि प्लस ओ टू और इसको बैलेंस कर लो सो दैट इज ये ऑक्सीजन टू और ये टू ओके okay. तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है यहाँ पर दो आपके मोल्स बन रहे हाइड्रोजन के और यहाँ पर वन मोल बन रहा हाइड्रोजन उसके सामने कुछ नहीं है ना बोले तो वन मोल है तो फॉर एवरी वन मोल ऑक्सीजन टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज क्रिएटेड दैट्स वाई द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में इसलिए वो डबल है इस तरह आपको एक्सप्लेन करना है टू मोल वन मोल का कॉन्सेप्ट ओके सो नेक्स्ट वाला पार्ट वेरी सिंपल हमारा वाटर का सपोज इलेक्ट्रोलिस हो गया है तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वे कि आपके वन मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए टू मोल ऑफ हाइड्रोजन बनते हैं फोटोलिटिक uh, डिकम्पोजिशन uh, uh, है? मतलब सनलाइट वाला डिकम्पोजिशन uh, अब इसके अंदर क्या करना है आपको सिल्वर क्लोराइड इज एजीसीएल एजीसीएल कहां पे रखना है आपको सनलाइट में आप जैसे ही सनलाइट के अंदर रखते हैं उसको ये डिकम्पोज हो जाता है एन टू एजी एंड सी और इसका कलर क्या होता है इसका कलर होता है व्हाइट और किसमें कन्वर्ट होता है ग्रे कलर में तो ये चीज ध्यान में रखना है व्हाइट टू ग्रे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रे टू व्हाइट है कि व्हाइट टू ग्रे है तो मेनी टाइम्स दे गेट कंफ्यूज्ड तो ये खाली ध्यान में रखें व्हाइट टू ग्रे तो ऐसे दो रिएक्शन है एक सिल्वर क्लोराइड के बारे में और सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में सेम रिएक्शन एंड कहां पर यूज होता है बाय द वे ये केमिकल आर इन ब्लैक एंड फोटोग्राफी तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है ओके सो इट इज नॉट कम्पल्सरी टू यूज डिस्टिल्ड वाटर हियर बट इट इज प्रेफरेबल एज डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है उसमें कोई दूसरा गंदगी कुछ इम्प्यूरिटीज वगैरह नहीं होगा सो फॉर दैट पर्पज वी आर

जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करता है तो इसके अंदर एक सिंपल लॉजिक ये है डिस्प्लेसमेंट तो रिएक्शन करता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा आयरन को ले लो कॉपर सल्फेट ले लो सोल्यूशन ये आपको हमेशा एक्वियस फॉर्म में लेना है मतलब जो मेटल सॉल्ट है मेटल सॉल्ट है दैट हैज एक्वियस फॉर्म और मेटल मेटल को आपको लेना है सॉलिड फॉर्म okay, तो में ओके तो सॉलिड फॉर्म में मेटल लो मेटल सॉल्ट को आपको फॉर्म में लेना कॉप आयन यहाँ पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयन चला जाएगा आपके कॉपर के जगह पे तो दैट वुड बी एफ एसओ फोर और आपका ये जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा नाउ दिस विल बिकम एक्वियस और ये सॉलिड तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेटल प्लस मेटल सॉल्ट क्रिएट्स अगेन अ सॉल्ट एंड फिर एक मेटल आपका बाहर निकलता है तो यहां पर जो uh, जो कलर है आपके कॉपर सल्फेट का वो क्या हो जाएगा फेंट हो जाएगा जो ओरिजिनल कलर है वो क्या हो जाएगा फेंट हो जाएगा एंड व्हाट्स द रीजन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली रिएक्टिविटी ज्यादा थी नाउ मेन क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि आयन नेल का कलर किसमें से किस में कन्वर्ट हुआ तो आयन नेल का ओरिजिनल कलर क्या होता है ग्रे ठीक है डार्क ग्रे या फिर एज ग्रे ऑफ कलर होता है आपके नेल्स का नेल्स का और ये चीज ध्यान में रखें क्यों होता है? क्योंकि उसके किसका है? Copper, copper का लेयर का चढ़ता है तो बेसिकली बिकम्स ब्राउन नाउ अनदर वन दैट इज एन सी यू एस अगेंस्ट एन सी यू का जगह लेता है एजन इज मोर रियक्टिव कॉपर एंड यहां पर आपका लेड इज मोर देन कॉपर शन वर्क ओनली बिकॉज उसके रिएक्टिविटी ज्यादा है अब इसके लिए मैंने तुमको ये तो याद करा के लिया है माजल, and high court message. आपको पूरी तरीके से याद करा के लिया हुआ है एंड आई होप आपने वो सभी एलिमेंट के नाम याद रखे हुए सिक्वेंशियल चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ व डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज ऑफ वॉट सबसे पहला इसको दूसरा नाम क्या है इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन इसका दूसरा नाम क्या है इट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है? Precipitate बनता है है प्रेसिपिटेट अब इसके अंदर पहला जो रिएक्शन है वो किसके बारे में है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड ओके ठीक है अगर सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड तो क्या बनता है आपका जो Na है वो प्लस होता है और ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो ये प्लस किसके साथ जाएगा माइनस के साथ और क्या बनाएगा एनएसएल और ये बी किसके साथ जाएगा एसओ के साथ दोनों का बैलेंस टू टू है तो वो क्या बनाएंगे बेरियम सल्फेट अब ये तो घर का नमक है ये दोनों एक्वियस फॉर्म में लगता हैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या जरूरत है एक्वियस सोल्यूशन में होना चाहिए एक्वियस स्टेट में आपके सॉल्ट होने चाहिए उसके सिवा ये रिएक्शन नहीं होगी Now, BACL2 बन गया, अब यहां पर aqueous है, और बीरियम सल्फेट कैसा आपका सॉलिड है ना दिस सॉलिड इज इन विच कलर वाइट कलर ये वाइट कलर कलर चेंज होता है ना तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाइट कलर के इसमें ना वट कॉज इज दिस क्यों होता है ठीक है तो एज एज आई टोल्ड यू दिस है और आपको अगर ऐसा पूछा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है तो आपको क्या बोलना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिकॉज वन मेटल इज मोर रिएक्टिव अदर मेटल दैट इज योर रीजन वन मेटल इज मोर रिएक्टिव अनदर मेटल एंड दैट टू फ्रॉम इट सॉल्ट तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फॉर कॉम्बिनेशन एंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट बाकी इसका कलर तो आपको ऑलरेडी पता है विच कलर इज एज स्प्रेसिपिटेड इज येलो कलर लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम हाइड्रेट

राइट right? अब आपको खाली नाम बताना चाहिए कौन क्या है पी मतलब कौन है पोटेशियम सबसे पहला कौन आता है पोटासम सेकंड नंबर पे कौन है एस मतलब सोडियम सी मतलब कौन है कैल्शियम ये तीन हो गए उसके बाद माजिल मतलब ये सभी तुम्हारे मेटल्स हैं बेसिकली एम इज नथिंग बट मैग्नीशियम देन ए मीन्स एल्यूमिनियम जेड से कौन सा मेटल है तुम्हारा जिंक आई से कौन सा मेटल है आयन एल uh, से मतलब कौन है लेड ये आपके हो गए लेट से बीच पैंक है अब ये लास्ट वाले बचे हैं वो कौन है हाईकोर्ट मैसेज एच मतलब कौन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर सी मतलब कौन है कॉपर फिर आपका एम मतलब कौन है एम एम मर्करी और फिर बाद में एस मतलब कौन है सिल्वर और लास्ट में कौन आ जाता है गोल्ड ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर एंड गोल्ड सो आपके रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको मैच करना है एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सपोज मान लो मैं इसको मिटा देता हूं अभी आप जानना चाहते हो कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी आप कॉपर सॉरी लेड और कॉपर के बीच में तो कॉपर को लेड हटाएगा कि नहीं हमको वो देखना है तो पहले फाइंड आउट करो लेड किधर है ओके okay, तो लेड आपका रहा ये दिस इज योर लेड और आपको कॉपर एक ढूंढ लो आपके लिस्ट में कॉपर का है ये वाला सो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो डेफिनेटली लेड विल डिस्प्लेस तुम्हारा कॉपर तो पीबी किसकी जगह पे आ जाएगा सी यू की जगह पे और सी यू बाहर निकल जाएगा तो दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज इसको याद कर लेना है अगर आपसे अभी याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं यू कैन मेमोराइज दिस इन थर्ड जो आपका चैप्टर है उसके अंदर भी आप उसको याद कर सकते दैट इज ऑल्सो फाइन लेकिन तब तक के लिए याद कर लो क्यों उसको छोड़ देना सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक लास्ट वाला पार्ट

और आपका कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर तो ये चीज ध्यान में रखना अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसके अंदर तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग उसको ऑक्सीडेशन बाय द वे व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एड एंड रिमूव ऐसे दो पॉइंट रहते हैं एड एंड रिमूव तो ऑक्सीडेशन मतलब किसका एडिशन रहता है ऑक्सीजन का और किसका रिमूवल हो सकता है हाइड्रोजन दोनों में से एक भी हो गया तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वट अबाउट रिडक्शन रिडक्शन के अंदर क्या ऐड होता है हाइड्रोजन और रिमूव क्या होता है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन इज उल्टा उसका उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नाउ जब आपके पास एक रिएक्शन होगी कोई भी तो एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे प्लीज आइडेंटिफाई हु इज एंड हु इज रिड्यूसिंग तो मान लो आपके पास ये रिएक्शन है CuO प्लस एच टू गिव अभी आपको कुछ लेना देना नहीं कि सामने क्या बन रहा है सामने क्या बन रहा है you don't have to worry about it. यहां पे पहले देखो ऑक्सीजन किसके पास है कॉपर के पास ऑब्वियसली मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन उसका उल्टा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट ओके okay, तो ये आपके ये तो फिक्स हो गए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग मतलब कौन जिसके पास ऑक्सीजन है नहीं तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट अब एजेंट क्या करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसका काम ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड इज किसीजन इट सेल्फ राइट एंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा रिड्यूस हो रहा होगा अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस और अगर ये दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, तो खुद के साथ क्या हो रहा होगा ऑक्सीडाइज तो ये चीज ध्यान में रखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है रिड्यूस एच टू का ऑक्सीडाइज या कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एच टू इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो चारों में से एक भी अगर आपको मिल गया चारों में से एक भी मिल गया दैट इज दैट इज मोर देन सफिशियंट टू राइट डाउन इन द एग्जाम आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा आपको रिएक्शन देंगे आपको पूछेंगे प्लीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसकाशन एग्जाम्पल्स है हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या है चलिए बताइए जेडेनो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीजन गायब हो रहा है यू कैन सी इन द सेकेंड स्टेप क्या लगता है ओ ए की आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ओ चैट बॉक्स में लिखो ऑक्सीडाइजिंग ओ तो कार्बन क्या हो गया फिर कार्बन मस्ट भी आर ए रिड्यूसिंग एजेंट ओके अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ क्या हो रहा होगा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ क्या हो रहा होगा रिडक्शन और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन ओके उल्टा लिख देना है. बस उल्टा लिख देना उसका वेरी सिंपल चलिए अभी वैसे ही MnO2 टू का प्लीज आइडेंटिफाई करके दीजिए MNO2. MNO2 क्या है एच सी एल आरए हो गया फिर एच सी एल आरए हो गया उल्टा कर लो उसको ये अगर ऑक्सीडाइजिंग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ क्या हो रहा होगा रिडक्शन ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा होगा उसके साथ और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हो रहा होगा तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड उसके सपोलेट सब टाइप्स नाउ लेट टॉक अबाउट करोजन बट इफ दर इज एनीथिंग इन बिटवीन लेट मी जस्ट आस्क कौन से मेटल जैसे कि कॉपर सिल्वर आयन इनका सपोज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलता है करोजन बोलते हैं ओके okay, तो उसका और ऑक्सीडेशन के क्या संबंध है देखो करोजन का मतलब क्या है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन राइट एंड करोजन करोजन कैन हैपन फॉर एन नंबर नंबर ऑफ ऑफ बहुत सारे के थ्रू हो सकता है लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं स्पेसिफिकली जो ऑक्सीडेशन से होता है मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जो करोजन होता है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ मेन क्वेश्चन इज इट नेसेसरी कि करोजन के लिए ऑक्सीडेशन होना ही चाहिए नहीं आप एक पर्टिकुलर फॉर्म देख रहे हो आयन का जो ऑक्सीडेशन है ना दैट इज बेसिकली करोजन तो देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है तो आपका डेफिनेशन क्या है अ मेटल इज अटैक अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड अटैक्ट इट इज टू करोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन और आपको कलर ध्यान में रखने सिर्फ यहाँ पे क्योंकि आयन के लिए स्पेशल वर्ड है वो क्या है रस्टिंग ओके ठीक है आयन के लिए स्पेशल वर्ड है करोजन का एंड दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ अब आप, आपके तीन कलर कौन से कौन से होंगे आफ्टर करोजन आयन तो आपको पता है रेडिश ब्राउन में हो जाता है आयन का कलर क्या रहता है रेडिश ब्राउन ओके तो वाज फिक्स्ड दूसरा कोई कलर है और हाँ सिल्वर सिल्वर का कलर क्या हो रहा है ब्लैक इन अनदर कलर इस से की जो अपियर हो रहा है कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर

एक, एक स्टडी कर रहे हैं नौ लेटेस्ट टॉकउट रैंसिडिटी रैंसिडिटी क्या है जब मतलब आपका खाना आप, जो आपका खाना है उसका क्या चेंज हो जाता है टेस्ट एंड स्मेल ओके ठीक है सो वॉट इज रैंसिडिटी वेन स्मेल एंड टेस्ट चेंज ऑफ द फूड उसको क्या बोलते हैं बोलते हैं मतलब जहां पर आपका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो गया खाने वाला अब ये क्यों होता है वो रीजन ये है कि आपके खाने के अंदर क्या रहता है फैट्स एंड ऑयल्स तो तो ये क्या करते हैं कि ये सपोज पर्टिकुलर किसके में आते है ऑक्सीडेशन के लेट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं दैट ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं और ये फैट और ऑयल क्या बनाते हैं दे टर्न एंड स्मेल से द टेस्ट चेंज तो बेसिकली किसके और किसके बीच में रिएक्शन हो रही है फैट और ऑयल्स इन फूड प्लस किसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का फैट और ऑयल जो भी है उसका किसके साथ रिएक्शन हो रहा है बर्बाद हो रहा है अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है सबसे पहला एयरटाइट कंटेनर रखो जिसमें भी आप स्टोर कर रहे हो उसको क्या रखो एयरटाइट कंटेनर रखो उसके बाद द सेकंड सोल्यूशन इज फ्लैग ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज अनदर वे एक तो आप कंटेनर यूज़ करो या फिर आप एक ऐसा बैग यूज करो जिसमें आप फ्लश कर रहे हो नाइट्रोजन के गैसेस को या फिर थर्ड थिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स सो देर आर थ्री सोल्यूशंस एंटी ऑक्सीडेंट्स देन कंटेनर्स आपके सेकेंड नंबर के और आपके चिप्स तो आप क्या करना है बैग को फ्लश करना है विद नाइट्रोजन तो यह हमारे तीन पॉइंट है सो लेट इज मी आस्क अबाउट दिस ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं लेट मी जस्ट टेल यू देखो आ, हमारे पास आ, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे ठीक है वन मिनट अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है अगर आप क्लास class... अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है देखो आ, दिस इज फॉर प्लस ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन का प्लस के रेट्स क्लास नाइन के आइकॉनिक के रेट्स क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास के आइकॉनिक के रेट ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है इट समथिंग लाइक दिस अब जितना बड़ा लोगे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तेरह महीने का कितना आ रहा है सपोज सपोलेट से छह महीने का आपको दस पड़ रहा है रेट बारह महीने का देख लो कितना आ रहा है

Uh, if you apply for 48 uh, वैसे ही आइकॉनिक अगर आप फोर्टी एट मंथ्स का लेना चाहते हो तो फोर्टी एट मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है एटी थ्री थाउजेंड अब एटी थ्री थाउजेंड इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपेरिजन में क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है इंडिविजुअल सपोर्ट है थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट है सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कपैसिटी इधर यू कैन गो फॉर फोर्टी एट मंथ्स ऑफ़ फोर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी एट मंथ्स ऑफ एटी थ्री थाउजेंड आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर फोर्टी एट मंथ प्लस और इधर फोर्टीट मंथ आइकॉनिक तो फोर्टी थाउजेंड या फिर एटी थ्री थाउजेंड अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं आप छत्तीस महीने का ले सकते हैं छत्तीस मतलब तीन साल हो जाते हैं दैट इज महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज थर्टी टू थाउजेंड कितना है 32,000. 32,000. 66,000. 36 का दसवीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? That is 32, And अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं तो दैट इज सिक्सटी थाउजेंड सो दोनों में से एक सबसे प्लान के लिए जरूर अपलाई करो क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोग है, है।, है? है।, है सो उसके लिए क्या करना पड़ता है ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है अब कौन सा कोड तो आप कोड का आप ये कोड ध्यान में रखना दैट इज एस लाइफ टेन अजिंक्य सोड़ों के एल आई वीई वन जीरो अब ये कोड पे लिखना है आपको देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए आइकॉनिक चाहिए राइट right? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया ठीक है आइकॉनिक ले लिया और फोर्टी एट मंथ्स का आप ले रहे हो तो फोर्टी क्या करना है आइकॉनिक लेना नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा ठीक है मतलब डू हैव अ कोड वगैरह पूछा आपको इसको टैप करना है सबसे पहले आइकॉनिक को कर लिया दैट इज फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं ही कोड अप्लाई करते हैं ना आपकी जो अमाउंट जो है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर वो टेन परसेंट कम होकर आपको दिखाई जाएगी ठीक है तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर कोड लिख देना है ए एस लाइफ टेन अजिंक्य सोन के एल आई वी वन जीरो A -S -L -I -V -E और उसमें स्पेस नहीं देना है ठीक -E है इट शुड बी कंटिन्यूस एस एल आई वीई वन जीरोना है आपके कोड पे टैप कर दो ये कोड लिख दो आप उसको डन कर दो तो इमीडिएटली आपका टेन परसेंट कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी फिर आप प्लान को ले लो फोर्टी एट मंथ को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स मतलब लाइक like पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट uh, में कर सकते हो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे तो uh, आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं दैट्स अप टू यू

ठीक है तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके राइट सो so, वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है बेल आइकन जरूर दबाना है उतना तो काम कर ही देना ठीक है चलिए देन ओके तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड दिस इज आवर बेसिक प्लान और आइकॉनिक मतलब क्या है तुम ऐसा समझ सकते हो प्लस का एडवांस so, क्या है आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर एजाइन किया जाता है दट इज द बेस्ट थिंग गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं दैट इज स्टार तो आपके ऊपर है राइट दिस इज वन ऑफ आर बेसिक प्लांट एंड इसको आइकोनिक हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट तो दिस इज थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से एक मिनट भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी प्लस so, में क्या क्या फीचर मिलेंगे देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ मैथ्स के लिए ये ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज सपोज लेट अस से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द द्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना कोई जरूरत नहीं है हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे सेकंड थिंग इज दैट वी हैव लाइव क्लासेस मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है मतलब इट्स नॉट लाइक की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं हैं लाइव क्लासेस होती डेली बेसिस पे तो जिसकी वजह से आप आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है आपको नहीं आ रही है तो यू कैन लेट से आप इंटरैक्ट uh, कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है कोई टॉपिक्स है समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरलीट से uh, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विदर्स uh, uh, अब बात करते हैं and quizzes. देखो, कैसा है ना पढ़ाने का तरीका अलग होता है देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर आई एम सींग एजुकेटर्स क्यों इसका फायदा क्या है देखो कैसा होता है जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है राइट साइंस के लिए एक टीचर मैथ्स के लिए एक टीचर तो इसमें वैसा नहीं है इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा तो आप क्या कर सकते हैं आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देर क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथडोलॉजी मतलब like, you know, अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके राइट नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का कि वो देख try their best to teach like in their own way. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब एक मेथड क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक अदर टीचर की हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का इट माइट हैपन तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स है मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स है अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग न गो फॉर द रेस्ट ऑफ दीचर्स द टीचर्स के लिए जा सकते हैं कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं सो देर इज नो प्रॉब्लम राइट चलिए सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू है देखो Uh, अब पढ़ाई जब हो जाती है मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको वन थिंग इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसके टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है हमारे पास क्विजेस भी हैं मतलब लाइक एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ आपको सब लेट से दिया जाता है। उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो, तो एक रैंकिंग की जैसा आपको एक क्विज ताइप ताइप लेट से भी ऑफर किया जाता है तो ये पे हम लोग बहुत सारे आप, आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट ठीक है आप इसको चेक कर सकते हो किसको लेट्स uh, जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई uh, कौन सा क्विज है सपोज उसमें कौन सा